Hey guys, what's up? Welcome back to the new vlog. कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ. बस आपसे बात करनी थी तो मैं मेरे टेरेस में चला आया. सो मुझे यार व्लॉग करना बहुत पसंद है क्योंकि यार ये टेरेस में कोई होता नहीं है. व्लॉग करना मतलब यहाँ पे व्लॉग विदाउट एनी डिस्टर्बेंस यहाँ पे व्लॉग कर सकता हूँ. घर पे मैं इतना व्लॉग नहीं कर पाता क्योंकि घर वाले होते हैं एंड आई एम नॉट दैट मच यूज्ड टू इट कि घर वालों के सामने व्लॉग करे. सो वो थोड़ा बहुत दिक्कत आती है मुझे. तो वो हो जाएगा धीरे धीरे, वो आदत भी हो जाएगी. इट्स जस्ट अ नॉर्मल कैजुअल व्लॉग. इसमें ना कुछ मैं आपको कोई बताने वाला हूँ कुछ इंटरेस्टिंग सा, ना कुछ नथिंग स्पेशल. बस एक हाय हेलो वाला व्लॉग ये. सो आप बढ़िया है. बस धूप बहुत तेज़ है, 4 बजे तो 4 बजे का धूप इट्स ओके. ठंडी पुणे में 16 से 17 डिग्री तक जाता है तो 16 to 17 तक ठंडी गिरती है, लेकिन वो भी शाम में. सुबह का पता नहीं क्योंकि मैं सुबह इतने जल्दी में उठता नहीं हूँ. मेरी सुबह होती है 11 बजे तक, और अगर कॉलेज रहेगा तो मैं उठता हूँ 10 बजे. मैं कॉलेज जाता हूँ 11:30 बजे. सो दैट्स माई रूटीन. और जिम भी जाता हूँ मैं. हाँ, कभी कभार जिम जाना पड़ता है, यू नो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. बस ये जो है ना, ये कम कर रहा है मुझे, ये इसमें दिखने रहा. सो मैं बस अभी कॉलेज से घर आ रहा था तो समथिंग हैपेंड टू माई बाइक. वो क्या हुआ है मुझे अभी बाइक देखने के बाद ही पता चलेगा. समथिंग कुछ तो आई थिंक सो टायर में कुछ तो गड़बड़ है. तो यूट्यूब पे कंसिस्टेंसी तो रखना पड़ेगा. सो यूट्यूब पे कंसिस्टेंसी अगर आप रखोगे गाइस, आपका चैनल सही में ग्रो होगा. मैंने एक्सपीरियंस किया है. अभी मैं रेगुलर नहीं हूँ यूट्यूब पे, लेकिन मैं आपको एक वादा ज़रूर करूँगा. इस मंथ में आई एम गोइंग टू रिलीज 2 वीडियोज़ पर वीक, दैट मीन्स 8 वीडियोज़ इन दिस मंथ. सो कुछ मैंने प्लान किया है कॉन्टेंट के लिए, तो आई होप वो वर्क करे एंड आप मुझे प्यार देते रहे. अभी हम चलते हैं नीचे मेरे बाइक को देखने के लिए कि प्रॉब्लम क्या दिक्कत दे रही है. आई थिंक सो दिक्कत एयर प्रेशर का ही होगा, तो हम बाहर जाके हवा भर के आएंगे. सो Let's see, क्या प्रॉब्लम आ रही है गाड़ी में. चलो तो ये रही मेरी बाइक. ये है मेरी बाइक. आई थिंक सो हवा कर रहा है ये. कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है. ये आप देख सकते हो कि ऑयल कैमरे में दिखने, और ये डिस्क ब्रेक पे पूरा ऑयल हो चुका है. थिंक सो डिस्क का कुछ तो प्रॉब्लम है मेरा, एंड हवा भी कम है शायद से. तो अभी हम क्या करेंगे, जस्ट गो आउट एंड फील द एयर एंड कम. सो लेट्स गो नाउ. हम हवा भर के आ रहे, पेट्रोल भी कम है. तो हम जा रहे हैं हवा फिलअप करने के लिए. मैं मेरे टायर में जो फिलअप करता हूँ वो मैं नाइट्रोजन फिलअप करता हूँ. अरे मेरे भाई, क्रॉस कैसे कर रहे हो आप? हाँ, तो नाइट्रोजन भी मैं नाइट्रोजन ही फिलअप करता हूँ क्योंकि पहले से मैं वही फिलअप करता आ रहा हूँ. सो और मैं नाइट्रोजन भरने के लिए यहाँ पे है नज़दीक, तो नाइट्रोजन भरने के लिए मुझे अब थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा. तो मैं नाइट्रोजन भरने के लिए थोड़ा सा दूर जा रहा हूँ बिकॉज वहाँ पे फ्री नाइट्रोजन मिलता है. तो इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ नाइट्रोजन फिलअप करने के लिए. कुछ नहीं, अराउंड 2.5 किलोमीटर है. तो बस 2.5 किलोमीटर नाइट्रोजन फिलअप करने के लिए. वाह विवेक, वाह. कुछ ना कुछ तो दिक्कत नहीं, हम सच्चे रूप से नहीं जाएंगे. पहले ही गाड़ी में हवा कम है
तो हम जाएंगे पक्के रास्ते से। हम पहुंच चुके हैं पेट्रोल पंप की यहाँ, तो मैं पहुंच तो अगर आप पुणे से हो या फिर अगर आप भरतपुर में रहते हो, देन इफ यू वांट टू फिल फ्री नाइट्रोजन यू कैन कम हियर। तो दिस इज अ फ्री नाइट्रोजन। अरे रे रे, ये तो लपड़ा ही हो गया है, तो बंद है, बंद है क्या? देखा, लालच, लालच बुरी चीज होती है। देखा, फ्री के चक्कर में इतना दूर आया मैं, लेकिन मुझे बंद मिला नाइट्रोजन। अब चलो वापस से, जहाँ से हमारे घर के पास भी एक नाइट्रोजन का एक हब है, नाइट्रोजन स्टेशन है, यहाँ पे मिलेगा ये नाइट्रोजन? नहीं, ये तो विचार है कि ये बंद है। तो ये होता है, फ्री के चक्कर में ना पड़ो भैया, पैसे खर्च करो और जाओ, नहीं तो फंसोगे। वहाँ पे एक नाइट्रोजन, वहाँ पे एक पंचर वाला था, उसको पूछता हूँ मैं आपके पास नाइट्रोजन अवेलेबल है या नहीं, अगर नहीं तो वी हैव टू गो बैक और आपको वहाँ पे नाइट्रोजन फिल करना होगा। क्या बोले थे? नाइट्रोजन आपके पास नहीं? नहीं, सादा है क्या? यहाँ पे कहाँ मिलेगा? चलो, इधर भी नाइट्रोजन नहीं था, तो दैट मीन्स वी हैव टू गो बैक। चलो, मैं आपको सीधा मैं मिलता हूँ नाइट्रोजन भरने के टाइम। तो नाउ लेट्स गो एंड फिल द नाइट्रोजन। ये रहा नाइट्रोजन का स्टेशन, एंड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, चलो मिल गया हमें नाइट्रोजन। पीछे 35 ले, आगे 30 ले। पहले नाइट्रोजन ही है? पीछे 35। हाँ, लगा दिया। पैंतीस कर, 30 है क्या? तो पीछे के टायर में 30 था, बस 5 कम था, हो गया शायद से। आगे 25, तो आगे 25 था, अभी 30 चाहिए था आगे। बस थोड़ा बहुत तो कम था, इतना भी कम नहीं था, बस 5-5 कम था, इट्स ओके। और गाइस, मैं एक्चुअली ये टायर के बारे में मैं एक अलग सा ब्लॉग बनाने वाला हूँ, मैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, हाउ टू मेंटेन द टायर, वेयर एंड ऑल। तो हमने नाइट्रोजन फिलअप कर लिया है, एंड नाउ द बाइक इज़ नॉट वॉबलिंग। तो दिक्कत थी कि बुलेट, ठीक है, तो वो वॉबलिंग इसलिए कर रही थी बिकॉज टायर में प्रेशर कम था। तो मैं कह रहा था आपसे कि मैं टायर का जो है स्पेशली एक व्लॉग बनाने वाला हूँ, दैट हाउ टू मेंटेन योर टायर, व्हाट ऑल यू नीड टू डू टू मेंटेन अ टायर। सो वो व्लॉग आपको मिलेगा कमिंग थर्सडे, एंड दिस व्लॉग यू विल गेट ऑन दिस संडे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इधर आ, इधर आ, हाय बोल।
बाय बाय बाय। सो ये आपको वीडियो आपको मिल जाएगा, दिस वीडियो आपको मिल जाएगा संडे, दिस संडे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड इफ यू लाइक प्लीज़ रिएक्ट करके ज़रूर जाना, लाइक नहीं तो डिसलाइक। तो एंड इफ यू आर लाइकिंग माई कॉन्टेंट, यू प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई दिस यूट्यूब चैनल एंड विल कीप इन टच। सो मैं प्रॉमिस किया था आपको, मैंने 8 वीडियोस मैं बनाने वाला हूँ दिस मंथ। सो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन टेक केयर।